सो गाइस, आपको क्यों ये लेनी चाहिए इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो यार एक स्पेशलिटी है इसकी कि आपको परफेक्ट क्रेमा अगर कॉफ़ी के अंदर चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं 15 बार्स ऑफ प्रेशर, एंड यहाँ पे आपको जो है वो 20 बार्स ऑफ प्रेशर जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड उससे आपको जो एक परफेक्ट क्रेमा का अनुभव है वो बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। क्या हाल चाल, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइज, नया दिन नई शुरुआत, और आज हमारे पास यहाँ पे है एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है अगारो की तरफ से। दिस इज़ द अगारो सुप्रीम कॉफ़ी मेकर। अगर आप लोग भी एक कॉफ़ी लवर हैं तो भाई आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और अगर आप में से कोई ऐसे बंदे हैं जो कि एक कैफ़े खोलने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि भाई कैफ़े के अंदर एक अच्छी कॉफ़ी मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छी कॉफ़ी के लिए आपको कॉफ़ी मशीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कुछ इस तरीके की हमें जो कॉफ़ी मशीन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, इनके इसके साथ हमें मिलते हैं कुछ इतना सारा तामझाम। सबसे पहले हमें यहाँ पे बीन्स के लिए कंटेनर मिल जाता है जो कि ऑलमोस्ट 250 ग्राम तक की जो बीन्स है उसको स्टोर करता है, एंड इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम फाइन से लेके हम कोर्स तक अपना जो बीन्स है उसको किस तरीके से ग्राइंड करना है, अलग अलग तरीके के ग्राइंडिंग का ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि आपको एक ग्राइंडर ले लिया और उसके अंदर बीन्स ग्राइंड करी, वो एक ही तरीके की ग्राइंड होगी, बट इसमें आप अपनी जो बीन्स है किस तरीके से ग्राइंड करनी है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल्क के लिए कप जो है वो देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो फनल है वो देखने को मिल जाता है, एंड फनल के साथ हमें यहाँ पे दो तरीके के जो स्टील मेश जालियां हैं वो दी गई हैं, सिंगल शॉट और डबल शॉट के लिए। सो आप सिंगल शॉट और डबल शॉट बना सकते हैं, 30 ml या 60 ml जो है वो आप यहाँ पे कॉफ़ी बना सकते हैं। सो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे जो स्टील मेश है वो दी गई है, एंड एक हमें यहाँ पे कॉफ़ी टैंपर जो है वो देखने को दिया गया है जो कि आपकी हेल्प करने वाला है कॉफ़ी को प्रॉपरली इसमें बिठाने के लिए, एंड दिस इज रियली हैवी भाई, मतलब इतना हैवी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। सीरियसली किसी को फेंक के मारोगे ना ये कॉफ़ी में, कोई आपसे बहस कर रहा है कॉफ़ी शॉप के अंदर, ये खिंचा के सर पर पटक के मारना। जस्ट जोकिंग ये भाई, इसको कॉफ़ी को प्रॉपरली बिठाने के लिए ताकि आप जो एक बढ़िया कॉफ़ी का मज़ा है वो आप इस मशीन से ले सकें। ओके गाइस, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको इस कॉफ़ी मशीन को सेट कैसे करना है, क्योंकि इतना सारा तामझाम तो हमें यहाँ पे दे रखा है। तो भाई इसको सेट कैसे करना है फॉर द फर्स्ट यूज़। तो भाई सबसे पहले जो बीन बॉक्स है उसके नीचे एक हमें लॉक सिस्टम दे रखा है, वो आपको चेक कर लेना है कि वो लॉक है या नहीं है। तो उसको खोल के आप प्रॉपरली राउंड घुमा के चेक कर लीजिए, एंड उसको अगर लॉक नहीं है तो लॉक कर लीजिए। उसके बाद हम जो बीन बॉक्स है उसको ये वाला एंगल देखेंगे जो हमारा पॉइंटेड दे रखा है, उसको हम कुछ इस तरीके से फिट करके इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमाएंगे, एंड हमारा जो बीन बॉक्स है वो टाइट हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है भाई पानी भरने की। सो इसमें हमारे पास मैक्सिमम जो है 2.8 लीटर्स तक का पानी का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एंड मिनिमम लेवल आपको हमेशा चेक करके रखना है कि आप मिनिमम लेवल से नीचे तो नहीं जा रहे, क्योंकि उसमें जो मशीन है वो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि किस तरीके से आपको कॉफ़ी जो है उसको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो कॉफ़ी के लिए आपको यहाँ पे कॉफ़ी बीन्स जो है प्रॉपरली साबुत बीन्स जो है उसका इस्तेमाल करना है, एंड 250 ग्राम तक जो है ये आपका जो बीन बॉक्स है वो सपोर्ट करता है। तो 250 ग्राम तक कॉफ़ी बीन जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं, ज़्यादा भी मत भरिएगा, ओवर हो जाएगी देन फिर वो ऊपर से बाहर निकलने के चांसेस हो जाते हैं, प्लस आपका जो लिड है वो भी बंद नहीं होगा, एंड लिड को प्रॉपरली आप बंद कर देंगे। सो गाइस, कॉफ़ी बीन का आपने देख लिया कि किस तरीके से आपने कॉफ़ी बीन बॉक्स को पूरा सेट करना है, नीचे जो लॉक सिस्टम है उसको किस तरीके से आपने सेट करना है, कितनी कॉफ़ी बीन जो है वो आपको यहाँ पे भरनी है। देन पानी की बात आ जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खाली मशीन कहीं आपकी मिनिमम लेवल से नीचे आ गए देन फिर मशीन खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसके अंदर आप मिनिमम लेवल हमेशा चेक करके रखिए, एंड मेरे हिसाब से हमेशा 1 लीटर से ऊपर ही इसको भरे रहने दीजिए, तो वो एक बेटर जो है आपकी मशीन काम करेगी, एंड मैक्सिमम यहाँ पे 2.8 लीटर्स तक का पानी का सपोर्ट जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे इस मशीन के बारे में बताऊँ तो 1450 watt की पावर जो है ये कंज्यूम करती है, एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कितने शॉट्स जो है वो आपके कॉफ़ी मशीन निकाल देती है, तो अगर आप सिंगल शॉट जो है बनाते हैं लाइक 30 ml का शॉट जो है एस्प्रेसो का बनाते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके 30 shots के आसपास जो है इस कॉफ़ी बीन से निकल जाएंगे, और अगर आप डबल बनाते हैं तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट आधा, तो 15 shots जो हैं वो आपके यहाँ पे जो 250 ग्राम कॉफ़ी बीन्स आप डालेंगे उससे आपके बन जाएंगे।
सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आ जाता है दैट इज द फनल. सो फनल के अंदर हमारे पास जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे दो तरीके के आपको मेज जो है वो देखने को मिल जाती है. सो सिंगल शॉट एंड डबल शॉट दोनों का आपके पास ऑप्शन है. सो अगर आप सिंगल शॉट बना रहे हैं तो छोटी वाली मेज को आप सीधा ऐसे रखेंगे और आप इसको सीधा ऐसे प्रेस कर देंगे, ठक करके आवाज आएगी और आपकी इमेज जो है वो इस फनल में सेट हो जाएगी. उसके बाद अब हमें इसको बनाना है, कॉफी को ग्राइंड करना है. सो कॉफी ग्राइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जगह दे रखी है, सिर्फ आपने इसको यहाँ पे ऐसे करके प्रेस कर देना और ये अपने आप यहाँ पे फिट हो जाएगा. एंड ये भाई कहीं नहीं जाने वाला, जब तक आप इसको खींच के बाहर नहीं निकालेंगे तो ये बाहर नहीं आएगा. तो ये एक ऑप्शन आपके पास काफी अच्छा है यहाँ पे दिया. एंड यहाँ से आप देख सकते हैं एक्चुअल में कि आपका जो मेश है वो कहाँ तक भर चुका है. तो हम इसको एक बार ही चालू करके देखते हैं. एंड लेट्स सी. तो चालू करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो बटन है वो दे रखा है, तो इसको आप एक बार ही ऐसे प्रेस कर देंगे और हमारी जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे जलनी शुरू हो जाएंगी. एंड कॉफ़ी ग्राइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है वो है, इसको हम ऐसे करके प्रेस करते हैं तो हमारी यहाँ पे जो कॉफ़ी है वो ग्राइंड होनी शुरू हो जाती है. एंड काफ़ी अच्छी तरीके से ग्राइंड कर रही है. अगर मैं रोकना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रोक सकता हूँ. अभी हमारी जो कॉफ़ी है वो बिल्कुल फाइन ग्राइंड हो रही है और पतली पतली जो कॉफ़ी है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी पतली कॉफ़ी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है. अगर मैं थोड़ा सा इसको मीडियम करना चाहूँ देन मैं यहाँ से ऊपर जो रोटेटिंग डायल है इसको इस तरफ ले आऊँगा और मैं इसको ले जाऊँगा 15 पे. ओके सो नेक्स्ट हमने यहाँ पे अब इसको मीडियम के ऊपर रख दिया. एंड मीडियम के बाद हमारी जो कॉफ़ी है वो किस तरीके की निकल के आती है आप एक बारी वो भी चेक कर लो. सो हमारी कॉफ़ी होनी शुरू हो गई यहाँ पे ग्राइंड. एंड कॉफ़ी का आप टेक्सचर देख सकते हो कि कैसा आपको यहाँ पे जो टेक्सचर है वो मिल रहा है. तो पहले जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फाइन थी, अब यहाँ पे थोड़े मोटे मोटा जो है कॉफ़ी हमें यहाँ पे मिल रही है. और यही अगर हम बिल्कुल 30 के ऊपर ले जाते हैं जिसको हम कहते हैं कोर्स, तो कोर्स के अंदर हमें यहाँ पे कैसी कॉफ़ी मिलती है एक बारी वो भी चेक करते हैं. ओके सो कॉफ़ी कुछ इस तरीके से आपकी ग्राइंड होके यहाँ पे दिख रही है आपको. एंड इसको हमें यहाँ पे जो टेम्पर हमें दे रखा है उसका इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से दबाना है और इस तरीके से आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको प्रेस कर देना है. इतना हैवी ये दे रखा है कि आपको ज़्यादा ऐसे प्रेस करने की जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप बस इसको नॉर्मली हल्का सा प्रेस करके जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आपकी कॉफ़ी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सेट हो जाएगी. बाकी जो भी एडिशनल कॉफ़ी आपको बाहर दिख रही है उसको आप हाथ से हटा देंगे. ओके सो फनल के अंदर हमारी कॉफ़ी जो है वो पूरी सेट हो गई है. अब इसको क्या करना है, आपने यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है यहाँ पे नीचे खांचा बना हुआ है एंड उसके अंदर आपने फंसा के इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमा देना. ओके सो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है. सो अब हमारे पास आ गया कप एंड कप को हम रखने जा रहे हैं नीचे. तो जैसे हमने यहाँ पे जो मेश है वो सिंगल शॉट वाली लगाई थी तो सामने की तरफ आपको यहाँ पे दो बटन्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, एक है आपका डबल शॉट का और एक है आपका सिंगल शॉट का. तो सिंगल शॉट वाला जो बटन है उसको आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 से 10 सेकेंड के आसपास लगता है. एंड उसके बाद आपका जो कॉफ़ी है वो प्रॉपरली यहाँ पे ब्रू होनी शुरू हो जाएगी. ओके सो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल शॉट में आपको यहाँ पे 30 ml कॉफ़ी जो है वो देखने को मिलती है, तो कुछ इतनी कॉफ़ी जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है. इसमें अभी हमने वैसे डबल शॉट के लिए जो कॉफ़ी पाउडर है वो नहीं डाला हुआ, बट स्टिल मैं एक बार चेक करना चाहूँगा कि क्या हमारा डबल शॉट के अंदर ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा कप जो है वो भर जाता है या नहीं भरता, तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं. मेरे हिसाब से पूरा का पूरा कप जो है वो भर जाना चाहिए. ओके सो ऑलमोस्ट डबल द क्वांटिटी जो कॉफ़ी है वो हमें यहाँ पे मिल गई है. एंड आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा कप जो है वो यहाँ पे भर गया है. ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 90 ml की बात मैं करूँ तो वो इस कप के अंदर हमें यहाँ पे मिल गया. बाकी टेस्ट की अगर मैं बात करूँ भाई एकदम गर्म और एकदम बढ़िया, मतलब इंस्टेंट आपको किसी को गर्म गर्म कॉफ़ी देनी है तो बढ़िया तरीके से आपके यहाँ पे जो कॉफ़ी मशीन है ये काम करने वाली है. ओके गाइस, तो आपने देखा एस्प्रेसो तो हमारी हो गई थी तैयार, सिंगल शॉट डबल शॉट हमने सारी चीज़ें एक बारी में ट्राई कर ली. अब बात कर लेते हैं लाते एंड कैपेचिनो की. सो बेसिकली ये मशीन जो है ये आपकी लाते एंड कैपेचिनो भी बनाती है, तो उसके लिए बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए होता है दूध और दूध आ गया हमारे यहाँ पे. सो अभी मैं आपको कुछ करके नहीं दिखा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो स्टीम है वो निकल रही है. आप देखेंगे आपको हल्का हल्का सा धुआं जो है वो दिखना शुरू हो गया होगा. इसको यही अगर मेरे को और ज़्यादा हॉट वाटर की तरह चाहिए कि पानी और ज़्यादा आ जाए और वो आ जाए तो उसको हम इस तरफ कर देंगे. एंड आप यहाँ पे देखेंगे हमारी जो स्टीम है
फिर वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। ओके गाइस, तो अपना दूध हो गया यहाँ पे फ्रॉथ। आप देखेंगे पूरा दूध में से भी धुआं निकल रहा है। एंड आप जैसे कैपेचिनो या लाते चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपनी दूध की मिक्सिंग जो है वो यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हैं। सो जैसे आपने देखा होगा इससे डिज़ाइन वगैरह बन जाता है, तो भाई मेरे को तो वो चीज़ बनानी नहीं आती, बट हाँ जिन लोगों को आती है वो सारे काम कर सकते हैं। सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको जो कॉफ़ी है वो पूरी की पूरी यहाँ पे तैयार करनी है। अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, दैट इज़ क्लीनिंग। तो जब भी आप यहाँ पे मिल्क जो है उसको फ्रॉथ वगैरह करेंगे तो फटाफट से उसको साफ कपड़े से फटाफट से पोंछ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब वो चीज थिक हो जाती है ना तो उसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे तो हर कॉफी बनाने के बाद आपको जो इसका फनल है उसको वापस क्लॉकवाइज जो है घुमा देना, एंड आप इसके अंदर देखेंगे कॉफ़ी का रेसिड्यू है, इसको आप स्पून से या किसी भी चीज़ से निकाल के पानी से अच्छी तरीके से वॉश करके क्लीन कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास दूसरा जो एरिया आता है, दैट इज़ ये नीचे वाली जाली। इसके अंदर काफ़ी सारा पानी जो है वो भर जाता है, जो कि आपका ऊपर से कॉफ़ी गिरती है, प्लस आपका फटाते तो वो भी नीचे आता है, प्लस एडिशनल हमारी जो मशीन है वो भी निकालती है फालतू का, तो वो आपको यहाँ पे इसको निकाल के साफ़ करना पड़ेगा, जो कि आप आसानी से बाहर निकाल के इजीली कर सकते हो। बाकी इसके पीछे हमें अलग से एक टूल किट जो है वो दे रखी है, तो आपको ये वाला पार्ट जो है उसको साइड कर लेना है, एंड यहाँ से आप ये जो टूल किट है इसको निकाल लेंगे। एंड इसके अंदर हमें यहाँ पे एक तो ब्रश जो है वो मिल जाता है, जिससे आप यहाँ वाला पार्ट क्लीन करना चाहते हैं उसको आप इजीली जो है क्लीन कर सकते हैं। एक कुछ इस तरीके का टूल जो है वो मिल जाता है, जिसमें हमें एक पतला वाला पॉइंटर मिला हुआ है और एक थोड़ी मोटा वाला मिला हुआ है। सो इस मोटे वाले से आप यहाँ वाला एरिया अगर कुछ फंसा हुआ है तो उसको आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं आराम से करके। एंड जो छोटा वाला एरिया है उससे आप जो हमारे फनल के अंदर की नीचे की मेश है उनके होल्स में एक एक करके इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि वो खुल जाए। सो गाइस, आपने यार कॉफी मशीन देखी, कैसी लगी आपको ये कॉफी मशीन? नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। मैंने आपको सारी की सारी चीजें समझाई, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया इसके अंदर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सारा का सारा तामझाम इसके अंदर आपको मिल जाता है, एंड 30 कप्स ऑफ कॉफी सिंगल शॉट अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं। पूरे दिन आप इसको इस्तेमाल कीजिए, कमर्शियल ग्रेड की आपको कॉफी मशीन जो है वो ये यहाँ पे मिल रही है, और आप इजीली इसको कैफे वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 29,000 के आसपास अमेजोन पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ।